सलीम साहब, आई थिंक इट्स द बुक्स ऑनर कि आपने यू नो इसके बारे में सोचा एंड आपने इस यू नो बुक में एक यू नो इस फिल्म में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देखी जिससे हम एक बच्चों के लिए बुक निकाल पाए. तो आप ऑब्वियसली यू थिंक रीडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर चिल्ड्रन. हाउ डिड दिस आइडिया कम अबाउट? ये मुझसे बहुत हमेशा ये सवाल पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि आजकल की फिल्मों में अच्छे सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, वजह क्या है? हमेशा एक विच इज़ अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन के आप कहानी नहीं होती है, कहानी नहीं होती है. उसका सिंपल जवाब ये है कि लोग पढ़ते नहीं हैं. आजकल अखबार भी सीढ़ियों पे बच्चों के पढ़े रहते हैं, पाँच पाँच छः छः दिन तक अखबार भी नहीं पढ़ते हैं. हमारे फादर हमसे कहा करते थे कि पढ़ो, बहुत पढ़ो. और हमारे लिए एक पेपर आता था स्टेट्समैन जो कि कलकत्ता में निकलता था, इंदौर में 5 दिन बाद पहुँचता था. उसके बाद वो सवाल पूछते थे ये पढ़ा है, ये पढ़ा है. और आज जो मेरे काम भी आया, इसलिए कि मैंने केम टू बिकम एन एक्टर, मैं तो समझता था कि दिलीप कुमार की दुकान बंद करवा दूंगा मैं, मगर मगर कुछ हुआ नहीं. तो जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मैं मुझे पढ़ाई काम आई मेरी. तो पढ़ाई की इतनी आदत हो गई थी कि अगर अखबार में कोई चीज़ बांध के लाता था तो उसको फेंकने से पहले पढ़ लिया करता था. और जो भी फिल्में बनी हैं, चाहे वो हाथी मेरे साथी हो, चाहे वो जंजीर हो, शोले हो, त्रिशूल हो, जो भी फिल्में बनी हैं, उनमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी पढ़ाई का है. दैट्स एंड पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट्स अ वेरी गुड पास टाइम ऑल्सो. नॉलेज तो आपका बढ़ता ही है और इट इज़ अ ग्रेट पास टाइम ऑल्सो. कभी भी अपना कोई वक्त ऐसा हो कि आपके समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसको आप वो करें, हेलो, तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आपके पास वक्त है और इस वक्त आप क्या करें, तो आप कुछ भी लेके पढ़ें. किताब हैं और बहुत ही बड़ी नियामत है ये किताब, और आप पढ़ें और ख़राब से ख़राब किताब में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा. बस थैंक यू वेरी मच. सही सर, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन. यू नो जैसे कि आपने कहा आजकल बच्चे पढ़ते नहीं हैं, सब कुछ इंटरनेट पे होता है और यू नो दे सब टेलीविजन मीडियम पे देखते हैं. जस्ट द इम्पोर्टेंस फॉर ऑल ऑफ अस प्रेजेंट हियर, द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्चुअली रीडिंग अ फिजिकल बुक, उसमें मतलब जो एक मैजिक होता है कहते हैं यू नो इन द प्रिंटेड वर्ड, वो और किसी चीज़ में नहीं है. एग्री विद दैट. मेरा जो भी कुछ थोड़ी बहुत सक्सेस मुझे मिली है और जिसकी वजह से इन बच्चों को एक मिला, प्लेटफॉर्म मिला है, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो ये भी नहीं होते, तो उसका सारा जो बेस है वो रीडिंग है, सारा के सारा वो पढ़ाई है. और आई एम किसी फ़ख्र से ये बात नहीं कह रहा हूँ, बट आई एम स्टेटिंग अ फैक्ट कि आई मस्ट बी द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट वेल रेड पर्सन हियर इन. जो मिलता था, एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, माहिम विक्टोरिया लाइब्रेरी नाम था, जब मैं उसके सामने जाके खड़ा होता था तो उसका मालिक कहता था कि इसमें कोई नई किताब नहीं है, आपने सारी किताबें पढ़ी हुई हैं. सलीम साहब, दैट इज रियली समथिंग. आई थिंक आई मीन आप से अब इफ यू आर गिविंग अस द फाइनल वर्ड ऑन दिस, आई डोंट थिंक देयर इज एनीबॉडी एल्स हु नीड्स टू इवन थिंक अबाउट दिस. जी स्पीच और दे दूं जो मैं प्रिपेयर करके लाया था, पढ़ो पढ़ो और पढ़ो. लवली, चलिए, सिंपली पुट एंड वेरी वेल अंडरस्टूड. हाय कबीर, सलीम सर, राइट हियर इन द सेंटर. This is a question a little bit away from the exact topic, but specifically for you and Saleem Saab, the FTII issue, students have been protesting for a long time, and you know now a new circular has come out that the students need to be rusticated if they continue on the strike. You're a filmmaker, there's a lot of talent pool coming out of that institute. You know, Salman, I'm sure you're aware of it as well. What is your take on that with the situation as of right now? Again, my take on it is similar to what I said. You know, the government really does not need to intrude into certain areas. Yes, unfortunately, we do have the government's involvement in the appointment of the chairperson of this institute. But it should, you know, as the years progress, I think they should step out of it. I think it should be an autonomous institute. It should be able to take care of itself. And it's unfortunate that you know, political appointments are being made in institutions of education.
children. And in this particular case, I think the gentleman concerned should have the dignity to step back himself, because I think the chairperson of a film school, because I'm from a film school myself, it's a very intimate relationship. And you cannot, demand respect. You have to command it. And therefore, I think in this case, he should just step back and it should be resolved. And as far as rusticating students is concerned, I think it's absurd, because as long as they're doing it via peaceful means, they should have the right to be able to express their angst against whatever they think is not correct. Saleem sahab, anything that you would like to say on this? Mera to bahut simple khayal ye hai ki wherever I am not welcomed, wherever I am not wanted, main to us jagah pe rehna bhi pasand nahi karunga. I will never go. Ab itna opposition hai, लोग नहीं चाहते हैं, तो यू शुड विथड्रॉ फ्रॉम द सिचुएशन विद डिग्निटी. दैट्स ऑल, इट्स एज सिंपल एज दैट. सलमान, डू यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट दिस? देयर आर सो मेनी एक्टर्स, वेटरन एक्टर्स हु हैव कम फ्रॉम एफटीआई, डायरेक्टर्स हु आई एम श्योर यू हैव वर्कड विद. द स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ दिस चेयरमैन गजेंद्र चौहान. एनीथिंग यू हैव टू से? वेल, आई थिंक देन ही शुड लिसन टू द स्टूडेंट्स, बिकॉज़ द स्टूडेंट्स हैव मेड आवर इंडस्ट्री व्हाट द इंडस्ट्री इज, मोस्ट ऑफ देम. सलमान, एंड सम ऑफ देम वर रस्टिकेटेड एज वेल. देखिए, आपका क्या रिएक्शन था, आपने क्या कहा सलमान को फिल्म देखने के बाद? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट. कोई डाउट नहीं है उस फिल्म पे, एब्सोल्युटली फुल प्रूफ. क्या अब तक की सलमान की करियर का ये बेस्ट रोल है अकॉर्डिंग टू यू? या आई थिंक सो, इट इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट, प्रोबब्ली द बेस्ट एक्चुअली. सलीम सर, आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन. ऑलराइट, पिक्चर का जो इम्पैक्ट है उसका मैं एक छोटा सा आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ कि गांधी जी के बारे में मैंने पढ़ा था, सारी किताबें पढ़ी, सारा लिटरेचर पढ़ा गांधी जी के बारे में. जब ये फिल्म आई ऑटनबरा की, तो मैं इरॉस में देखने गया, और जब मैं नीचे उतर रहा था फिल्म से देखने के बाद, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जितना भी अच्छा इंसान था या जितना भी था, उससे कुछ बेहतर नीचे उतर रहा हूँ. एक इतना बड़ा इम्पैक्ट था कि आई फेल्ट, इतना मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसा भी था, वट एवर आई एम, आई मीन एवरीबडी वॉन्ट्स टू ग्रो, एवरीबडी वॉन्ट्स टू इम्प्रूव, बट आई फेल्ट वाइल कमिंग डाउन कि मैं थोड़ा सा बेहतर आदमी उतर रहा हूँ. एंड दिस इज द सेम थिंग, एंड दिस इज द सेम थिंग दिस फिल्म इज गोइंग टू डू इज वेल. सो यू वॉच द फिल्म, यू विल सी द नोबिलिटी ऑफ द कैरेक्टर, ऑल द कैरेक्टर्स इन द मूवी, एंड यू कम बैक एंड यू विल थिंक, यार, we need to be like these people, not even just not only Bajrangi but everybody in the movie, you'll want to be that. So it's a really nice, beautiful film. We're trying our best to see that a lot of people go and see it now, and then later on when released on satellite. So the more the people see it, the more the people like this movie and they go and see it again and again, and the more they praise it, we know that the country is moving in the right direction. Saleem sir, on your center. No dance steps, this is a book launch. Yes, book launch, the gentleman in the white shirt. No, this is Saleem sir. Jaisa ki abhi aapne notice kiya hoga ki bahut acche daddy ban sakte hain Salman Khan, lekin aapko nahi lagta ki inka intezar bahut hi lamba hote ja raha hai, bahut hi lamba kara rahe hain ye intezar? Ye sawal ka Allah Mian bhi jawab nahi de sakte. All right.